सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन। दोस्तों, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन प्रेजेंटेशन के लिए काफी पॉपुलर मेथड है। कई सारे एड्स, एडुकेशनल फैक्ट्स वगैरह के वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का यूज किया जाता है। फाइवर, इन्वेटो मार्केट वगैरह पे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से लोग काफी पैसे बना रहे हैं क्योंकि इसे सीखना जो है काफी आसान है। आप भी फाइवर वगैरह पे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए ऐसे तो कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वीडियो स्क्राइब की हेल्प से एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। तो डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके वीडियो स्क्राइब। मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। ओके गाइस, तो आपको आ रहा है videoscribe.co के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप यहां से फ्री ट्रायल डाउनलोड कीजिए। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं। कूपन्स एंड डील्स, डिस्काउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे जो है अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। ये है videoscribe। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है सेम अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा जो कि आपने videoscribe के ऊपर क्रिएट किया है। तो चलिए मैं लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये हमारा होम पेज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल स्क्राइब है, मतलब एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है। अगर आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पहले जो है प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट किया है तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे होंगे। अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं videoscribe प्रोजेक्ट, तो आप यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आप यहां से देख सकते हैं। यहां पे कुछ सेटिंग्स हैं जैसे कि ऑटो सेव, आपका प्रोजेक्ट जो है ऑटोमेटिकली 1 मिनट में सेव हो जाएगा। आप चाहें तो 2 मिनट, 3 मिनट या फिर और कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ट्रांजिशन टाइम, पॉज टाइम, मैक्सिमम ड्रॉ टाइम जो कि आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग है, वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो है क्रिएट न्यू स्क्राइब में चलते हैं, नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। क्रिएट न्यू स्क्राइब। अब यहाँ पे मेन हमारा जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट होगा वो यहीं पे क्रिएट होगा, यहीं पे सारे ऑप्शंस जो है हम लोग यूज करेंगे। तो टॉप में अगर आप देखें तो सेव, कट, कॉपी पेस्ट वगैरह का ऑप्शन है। म्यूजिक ऐड करना हो तो म्यूजिक के ऑप्शन है, काफी सारी म्यूजिक ऑलरेडी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप अपना खुद का अपलोड करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर URL वगैरह पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो है वॉइस ओवर है, अगर आप वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो या फिर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है टेक्सचर एंड कलर है, मतलब ये जो हमारा वीडियो का बैकग्राउंड है अभी वाइट है, बिल्कुल प्लेन है। अगर आप कोई टेक्स्चर डालना चाहें तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप चाहें तो खुद का अपना भी डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे प्लेन रहने देता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रॉइंग हैंड, है ना, किस तरह का हैंड होगा हमारा, ड्राइंग का पेन होगा या क्या होगा, वो चीज़ आप यहाँ से चूज कर सकते हैं डिफॉल्ट, लेकिन आप जो है बाद में भी इसे चेंज कर सकते हैं। आप हर एक इमेज के हिसाब से ड्राइंग हैंड या फिर पेन्स वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में से जो चाहे वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है प्ले एंड पॉज एंड शेयर का बटन है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसे शेयर करना है, मतलब यूट्यूब के ऊपर, या फिर एक्सपोर्ट करना है फाइनली मूवी में, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा वीडियो एरिया है और ये हमारा टाइमलाइन है जहाँ पे हमारी फुटेज होंगी, मतलब हमारी इमेजेस वगैरह होंगी। उसके साथ ही यहाँ पे जो है जूम इन जूम आउट वगैरह का है, मतलब इसको देखने के लिए। उसके साथ ही यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास, इमेज, टाइटल एंड चार्ट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू इमेज। और यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी है पूरी की पूरी जिसमें से हम लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं इमेज को, जो भी आइकॉन्स हमें चाहिए हो वो चीज़ हम यहाँ से ही कर सकते हैं। हम जो है अपना खुद का भी अपलोड कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप यहाँ पे खुद का इमेज अपलोड नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्पेशली ड्राइंग चाहते हैं तो आपको SVG में इमेज अपलोड करना पड़ेगा, है ना, जो कि आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से करना है। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ, कोई सा भी एक यहाँ से चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये। अब यहाँ पे आपके पास जो है पूरा का पूरा कंट्रोल है, आप देख सकते हैं। अगर आप कॉर्नर से इसको छोटा बड़ा करना चाहें तो इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो मेंटेन रहेगा, वरना ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप हमेशा किसी भी इमेज को जो है कॉर्नर से ही छोटा बड़ा करें ताकि उसका जो स्पेक्ट रेशियो है वो मेंटेन रहे। यहाँ पे आप इसे स्लाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से जो है सेंटेंसेस रोटेट कर सकते हैं इस इमेज को।
आप बाद में भी ये चीज़ जो है पूरा का पूरा यू नो किसी खास एंगल पे आपको रोटेट करना हो तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे यू नो बाद में जो है प्रॉपर्टीज़ में जाकर के ये चीज़ कर सकते हैं। पोजीशन आप जहाँ पे भी सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमने इमेज ऐड कर दिया, चलिए इसको हम लोग जो है प्ले करके देखते हैं। तो प्ले, यहाँ पे एक ऑप्शन है जूम एट एंड, इसको आप अनमार्क कर दीजिए। ओके तो ये इमेज जो है हमारा प्ले हो गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई कि हमने इस इमेज को साइड में डाला था लेकिन ये सेंटर में आ गया। आप जब भी फर्स्ट टाइम आएंगे ना तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होंगी। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे आपने इस इमेज को सेट कर दिया यहाँ पे, है ना, यू नो आपकी वीडियो में ये इमेज यहाँ पे होगा। तो इसको यहीं पे रखने के लिए जो है ना आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कैमरा पोजीशन जो है वो सेट करना होगा। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये हमारा इसी साइड में प्ले होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर इमेज के साथ आपको कैमरा पोजीशन सेट करना है, वरना वो इमेज जो है सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये इमेज जो है ना यू नो सेट हो गया। अब चलिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। तो टेक्स्ट में यू नो कुछ भी, हु आर यू, फॉन्ट है यहाँ पे, यू नो अभी यहाँ पे दो ही फॉन्ट है, आप चाहें तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे फॉन्ट जो है वो दिए गए हैं, आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फॉन्ट चूज कर लेता हूँ। ओके ये यहाँ पे अलाइनमेंट है, कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। ओके और ओके यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड हो गया, इसको भी हम लोग जो है यहाँ से रीसाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे चलिए इसको हम लोग प्ले करते हैं यहाँ से। ओके ये हमारा ड्रॉ हुआ और उसके बाद हमारा टेक्स्ट ड्रॉ होगा, लेकिन ये हमारा जो है सेंटर में आ गया, है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। तो वही मैंने आपको कहा था कि हर इमेज के साथ जो है ना आपको कैमरा पोजीशन जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो इसका जो है अभी हम लोगों ने कैमरा पोजीशन सेट नहीं किया, तो अभी ये सही जगह पे है, हम लोग यहाँ से कैमरा पोजीशन सेट कर देते हैं। आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब अगर हम लोग प्ले करेंगे तो ये इमेज हमारा यहीं पे रहेगा और ये इसी तरीके से प्ले होगा। ओके तो ये हमारा अब इसी तरीके से जो है वो प्ले हो गया। अब चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये इमेज है ना, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जिससे आप जा सकते हैं इमेज प्रॉपर्टीज में, या फिर सिंपली आप राइट क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। ओके तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे शुरू से देख लेते हैं। सिलेक्ट इमेज, ये इमेज हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ग्राफिक फिल्टर, अगर आप ब्लर वगैरह करना चाहते हैं इस इमेज को, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी इमेज है जिसको आप ब्लर करके दिखाना चाहते हैं, ग्लो या फिर ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना घटाना चाहते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, है ना, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। मेन ये दो ऑप्शन है, ड्राइंग ऑप्शंस। सबसे पहले अगर हम लोग अभी यहाँ पे प्ले करें तो ये हमारा ड्रॉ हो रहा है ना ये इमेज, लेकिन हम ये चाहते हो कि ये ड्रॉ ना हो, ये मूव करे, है ना, किसी साइड से मूव करे। तो मूव इन किस साइड से, अभी जो है ये बॉटम राइट कॉर्नर से मूव होगा, एक हैंड आकर के इसको ही करेगा, है ना। वैसे ही हम लोग चाहें तो फेड इन कर सकते हैं, ये हमारा धीरे धीरे जो है उभरता हुआ आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमारा ट्रांजिशन टाइम यू नो सॉरी एनिमेशन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है, 3 सेकंड है, इस वजह से ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो है यू नो दो ऑप्शन है एक ड्रॉ के, तो हम लोग ड्रॉ पे ही रहेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो है फ्लिप के ऑप्शन है, अगर आप फ्लिप करना चाहें तो यहाँ से आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। उसके साथ ही फुल कलर, आप अगर फुल कलर चाहते हैं तो फुल कलर, या फिर आउटलाइन सिर्फ चाहते हैं, किस कलर में आउटलाइन चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और या फिर दूसरे ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे हैं, वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो है सॉलिड है, मतलब ओपेसिटी अगर आपको कंट्रोल करना हो तो आप यहाँ से ओपेसिटी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना यू नो कितना आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं। तो फिलहाल 100% वैसे ही रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं यहाँ पे। अब चलिए एनिमेशन, पॉज एंड ट्रांजिशन की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमें वीडियो की टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई वॉइस ओवर जो है रिकॉर्ड किया और उसके हिसाब से हमें सीन को सेट करना है, तो यहाँ पे काफ़ी इजी है।
तो यहाँ पे सबसे पहला है एनिमेशन, मतलब अभी यहाँ पे जो ये ड्रॉ हो रहा है ये 3 सेकंड में ड्रॉ होगा। हम लोग इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि ये 1 सेकंड के अंदर ड्रॉ हो जाए, है ना। अब अगर यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ इसको तो ये 1 सेकंड के अंदर ड्रॉ हो जाएगा, या फिर हम लोग ये चाहते हो कि यहाँ पे जो है ये 8 सेकंड में ड्रॉ हो, यू नो काफ़ी टाइम ले तो काफ़ी डिटेल्स में। तो यहाँ पे देखिए ये अब 8 सेकंड लगेगा इसको ड्रॉ होने में, है ना। तो इस तरीके से आप जो है एनिमेशन चूज कर सकते हैं कि कोई भी इमेज कितने सेकंड में ड्रॉ होगा, है ना, या फिर एनिमेट करता हुआ। फॉर एग्जांपल मूव इन ही की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मूव इन में ये कितने सेकंड में, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 8 सेकंड करते हैं तो ये काफी स्लोली मूव करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ नीचे से ऊपर की तरफ जाए, नीचे से बीच में, या फिर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं किस साइड से मूव करता हुआ है। वैसे ही मूव इन इफेक्ट है, आप चाहते हैं स्मूथ या बाउंस जो भी हो। तो यहाँ पे देखिए अभी काफ़ी काफ़ी स्लोली यहाँ पे जो है मूव करता हुआ आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से एनिमेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। वैसे ये स्मूथ है, बाउंस है, आप चाहते हो कि बाउंस हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 सेकंड सेट कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको बाउंस करता हूँ, है ना, तो ये बॉल की तरह से बाउंस करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे ड्रॉ रखना है, है ना, यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे एक पॉज टाइम है, मतलब एक इमेज जब ड्रॉ हो जाएगा तो कितने देर रुकेगा दूसरे इमेज को ड्रॉ करने से पहले, मतलब एक इमेज दो इमेज के बीच में जो ड्राइंग पॉज टाइम होगा वो क्या होगा, तो वो है 0.5 सेकंड। मतलब ये डॉक्टर जो है वो ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद जो टेक्स्ट हमने लिखा था उसके बीच में 5 मिनट का पॉज होगा, वही यहाँ पे पॉज टाइम है, जिसको भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी इमेज को आप ज़्यादा देर तक शो करना चाहते हैं और आप ये चाहते हो कि उसके 5 सेकंड के बाद जो है हमारा टेक्स्ट या फिर जो भी दूसरा इमेज है वो ड्रॉ हो, तो आप वो चीज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एक्चुअली एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जब मूव करेगा, मतलब एक कैमरा से दूसरे कैमरा में जब मूव करेगा तो उस बीच का जो ट्रांजिशन है वो कितना होगा, जो कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे है हमारे पास ड्राइंग हैंड, हम यहाँ पे हैंड से ड्रॉ करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी सारी जो है यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं, इनमें से आप किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये हैंड चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ये हमारा जो है डाउनलोड होगा, देन हमारी लाइब्रेरी में ये ऐड हो जाएगा, उसके बाद उस इमेज का जो है उस हैंड का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग में। ओके, ये हैंड हमारा जो है डाउनलोड हो गया है और ये इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। ओके कर देते हैं और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से ओके कर देते हैं, तो अब यहाँ पे ये हमारा जो है जो भी हैंड हमने चूज़ किया था वो हमारा ड्रॉ होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग प्ले करके देख लेते हैं। ये हैंड हमने चूज़ किया था लेकिन दूसरे में हमारा दूसरा हैंड था, मतलब टेक्स्ट में हमारा दूसरा हैंड था, हमने डिफ़ॉल्ट हैंड नहीं यूज़ किया। तो सब में आप जो है अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी में टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ड्राइंग हैंड, हम यहाँ से जो है जो भी हमने डाउनलोड किया था, या फिर हम अगर पेन चूज़ करना चाहें तो पेन हम चूज़ कर सकते हैं, जो भी हैंड चूज़ करना चाहें वो हम यहाँ पे जो है चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये इमेज हमारा ड्रॉ हुआ, 0.5 सेकंड का पॉज है और उसके बाद जो है ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे जो है ड्रॉ हुआ, तो यही हमारा पॉज टाइम था। अब चलिए यहाँ पे जो है हम लोग ट्रांजिशन की बात करते हैं। ट्रांजिशन क्या था, तो ये हमारा फर्स्ट, ये था फर्स्ट कैमरा पोजिशन था। अब यहाँ पे नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल हमारा सीन चेंज हो रहा है। आपने इस तरह की वीडियोस देखी होंगी कि स्लाइड करते हुए ऊपर जाता है या दूसरे साइड में जाता है, हम किसी भी साइड में इसको कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोगों ने नीचे किया, यहाँ पे ही हमारी इमेज है, यहाँ पे ब्लैंक एरिया, यहाँ पे चलिए फिर से कुछ हम लोग ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए कुछ भी ऐसा, बिजनेस कार्ड, बिजनेस आइकॉन, फॉर एग्जाम्पल ये वीज़ा, ये हमारा इमेज है यहाँ पे, है ना। इसको भी हम लोग यहाँ पे कैमरा सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे हमारा ये है, अब स्लाइड करता हुआ हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट हमारा प्ले होगा, टेक्स्ट हमारा क्रिएट होगा और उसके बाद स्लाइड करता हुआ यहाँ पे आ गया ये वीज़ा लिखा हुआ। तो इस बीच में जो स्लाइड था, ट्रांजिशन था, वही हमारा ट्रांजिशन टाइमिंग था, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, टेक्स्ट हमारा ड्रॉ हुआ और उसके बाद स्लाइड करता हुआ ये नीचे की तरफ गया और ये हमारा वीज़ा लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमारा था ट्रांजिशन टाइम, जो कि हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग घटा देते हैं, मुझे चाहिए 5 सेकंड। ओके 5 सेकंड। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्ले करते हैं इसको तो देखिए 5 सेकंड में जो है हमारा वीज़ा के ऊपर ये जाएगा धीरे 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 धीरे, है ना, काफ़ी टाइम लग गया। तो ये हमारा था ट्रांजिशन टाइमिंग, जिसको हम लोग अगर जीरो कर दें यहाँ पे, अगर हम लोग इसको जीरो कर देंगे
तो देखिएगा कि डायरेक्टली जंप कर जाएगा, किसी भी तरह का ट्रांजिशन, जैसे अभी नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ दिख रहा है ना, वो हमारा नहीं दिखेगा, है ना। तो ये हमारा था ट्रांजिशन टाइमिंग। आप यहाँ पे किसी को भी किसी के बाद डाल सकते हैं, है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सिंपली जो है स्लाइड इसको कर सकते हैं, जिसके बाद भी आपको जिसको डालना हो। यहाँ पे एक आइज का आइकॉन है, अगर आप किसी को भी हाइड करना चाहते हैं टेम्प्रोरी, तो आप यहाँ से जो है हाइड कर सकते हैं। सभी की टाइमिंग यहाँ पे शो कर रही है, जैसे कि ये जो है 3.5 सेकेंड ये वाला ले रहा है, ओवरऑल टाइमिंग कितना जा रहा है, जैसे कि ये जो है 6.5 सेकेंड ले रहा है, क्योंकि 5 सेकेंड का इसमें जो है हमारा ट्रांजिशन था, सॉरी टोटल टाइमिंग जो है 3.5 सेकेंड ये ले रहा है, तो 6.5 हो गया। तो यहाँ से आप जो है टाइमिंग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल टाइमिंग जो है 6.5 सेकेंड की अभी ये वीडियो हमारी बनी है। ओके, तो ये कुछ ऑप्शंस थे हमारे इमेज प्रॉपर्टीज में जो कि आपने देखा। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन होते हैं मॉर्फ का, जो कि हम लोग देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हो कि एक इमेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए दूसरे इमेज में। एक इसका बेहतर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलते हैं इमेज में, एड न्यू इमेज में, और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मग। ओके, ये मग है, इसको हम लोग ऊपर डाल देते हैं फ्रेम में, यू नो, नेक्स्ट फ्रेम में, और इसको रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया। कैमरा पोजीशन सेट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब यहाँ पे हम लोग ये चाहते हैं, इसी की कॉपी हम लोग बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और इस इमेज को हम लोग रोटेट कर लेते हैं। ये रोटेट हमने कर दिया यहाँ पे, है ना, दो इमेज है अब हमारी। अब यहाँ पे हमें जो है इमेज प्रॉपर्टीज में जाना है, और इमेज प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ड्राइंग ऑप्शन में यहाँ पे एक मॉर्फ का ऑप्शन आ जाएगा, और मॉर्फ में किससे आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो मुझे जो है इसी इमेज से ट्रांसफॉर्म करना है, ये जो दूसरा मग था हमारे पास, हम किसी से भी किसी को भी कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म सेट कर दिया, और उसके बाद कुछ और भी सेटिंग्स कर लेते हैं, जैसे कि ओके 3 सेकंड है, मैं यहाँ पे 2 सेकंड कर देता हूँ, 2 सेकंड में। और यहाँ पे मॉर्फ के साथ ही जो है यहाँ पे क्लियर आइटम है, मतलब पहले आइटम को आप रखना चाहते हैं या फिर क्लियर कर देना चाहते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ से सेट करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्ले करेंगे तो ये कब पहले खड़ा हुआ होगा और उसके बाद वो फ्लिप कर जाएगा, मतलब वो जैसे क्या है ना, किसी चीज़ में हम लोग जैसे कॉफ़ी डाल रहे हो किसी दूसरे बर्तन में, ये कप हमारा ड्रॉ हुआ और ये उसके बाद ये एनिमेट करता हुआ ये फ्लिप कर गया। तो इस तरह का इफेक्ट अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ, जैसे देखते हैं एक और इमेज ऐड करते हैं बिजनेस आइकॉन में, और मैं ये इमेज मैंने ऐड किया, ऊपर ले आते हैं इसको, इसका भी कैमरा पोजीशन सेट कर देते हैं यहाँ पे, और मैं ये चाहता हूँ कि ये इमेज जो है ना वीज़ा में कन्वर्ट हो जाए, ये जो वीज़ा है ना हमारा। तो चलिए एक और इमेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, वीज़ा, सेम जगह पे मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद वीज़ा में इसका भी कैमरा पोजीशन हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। वीज़ा में जाते हैं, वीज़ा की इमेज प्रॉपर्टीज़ में, और उसके बाद यहाँ पे मॉर्फ, एंड यहाँ पे हमारा जो है ये है ना, ये वाला इमेज है, एंड क्लियर आइटम, 3 सेकंड नहीं, 2 सेकंड। ओके, अब ये हमारा जो ये सिंपल कार्ड था, है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये हमारा जो सिंपल कार्ड था, ये हमारा वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो चलिए प्ले करते हैं। ओके, ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस तरह का इफेक्ट भी आपने देखा होगा, सेम तरह की इमेज होती है तो इफेक्ट काफी अच्छा होता है, वरना बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है ये ट्रांसफॉर्म। ओके, तो फाइनली ये जो भी चीजें हमने क्रिएट की हैं, इस चीज को हम लोग यहाँ पे प्ले करके देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे ड्रॉ हुआ, 0.5 सेकेंड का पॉश, और उसके बाद जो है ये हमारा यहाँ से ये हुआ, एंड ये ड्रॉ हुआ फिर से ऊपर की तरफ, एंड ये हमारा कॉफ़ी मग ड्रॉ हुआ, ये फ्लिप हो जाएगा, ये जो है यू नो यहाँ पे हमने मॉर्फ यूज़ किया है, और उसके बाद ये स्लाइड करते हुए यहाँ पे भी हमने जो है मॉर्फ यूज़ किया है, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कि हमें अगर म्यूज़िक ऐड करना हो, है ना, तो यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़िक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन्हें हम जो है अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो है यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं अपने
फोल्डर्स से, आप चाहें तो URL वगैरह पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम कम करके ऐड कर देता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट में जो है ऑडियो ऐड हो गया। आप चाहें तो अपना खुद का ऑडियो, फॉर एग्जांपल आपने वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया, आपने कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है पहले से, उसके हिसाब से यहाँ पे करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। वैसे ही अगर आपको वॉइस ओवर, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी हो, है ना, यू नो सीन के हिसाब से रिकॉर्ड करना हो, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे टेक्सचर और ये सारी चीज़ें। ओके, यहाँ पे कुछ कंट्रोल भी है, आप किसी को भी ऊपर नीचे करना चाहें, है ना, जूम इन जूम आउट, या फिर फुल स्क्रीन करना चाहें, है ना, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपको देखना हो तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। आप किसी भी इमेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उस इमेज के पास आप पहुँच जाएंगे, जैसे कि ये इमेज है या फिर वीज़ा है ना, तो आप उसके ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये काफ़ी आसान है, यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन हैं आपके पास, देख सकते हैं ये। जब आपका प्रोजेक्ट फाइनली रेडी हो जाए तो आप यहां से शेयर में जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बोनस टिप्स। अगर आपको खुद की अपनी इमेज डालनी हो तो आप कैसे डालेंगे, आपको जाना है ऐड न्यू इमेज में, और यहां पे आपके पास जो है इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट में फॉर एग्जांपल ये सलमान खान की फोटो है, मैं ये डालना चाहता हूँ, ओपन मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल PNG या फिर JPG इमेज है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, अगर आप ये ड्रॉ होने का तो ये रिवील होगा, है ना, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रिवील एंड स्केच। स्केच तो बहुत बकवास होगा क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं है, ड्रॉ है या मूव इन है, तो आप जो है नॉर्मली रिवील रख सकते हैं, है ना, बाद में हैंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये इमेज हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, है ना, इसका भी कैमरा पोजिशन हम लोग सेट कर देते हैं। अगर इसको हम लोग प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जो है हमारा प्ले होगा, है ना। अब यहाँ पे हमें ऐसी इमेज डालनी हो जो कि एक्चुअल में ड्रॉ हो लेकिन लाइब्रेरी में वो अवेलेबल नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SVG इमेज डालना पड़ेगा, है ना। तो SVG आप सिंपली गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप जो है इनके मीडिया लाइब्रेरी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ना यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं। अगर गूगल पे आपने सर्च किया SVG इमेज मिल गया तो डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे उसका लिंक डाल सकते हैं, आप खुद इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको SVG इमेज क्रिएट करना हो तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। ये है इलस्ट्रेटर, यहाँ पे मैंने अपने लोगो का लोगो क्रिएट किया है जो कि एक वेक्टर फाइल है, है ना, और हम ये चाहते हैं कि इसे इम्पोर्ट, इसे यूज़ करना वीडियो डिस्क्राइब में लेकिन ड्राइंग के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको जो है इस प्रोजेक्ट को यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर का आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोरल ड्रॉ वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आपने उसमें क्रिएट किया है, जो भी इमेज आपने उसमें क्रिएट किया है, सिंपली उसको क्या करना है, आपको SVG फॉर्मेट में आपको प्रोड्यूस करना है। तो सेव एज, यहां पे आप जो है SVG चूज कर लीजिए, है ना, SVG कंप्रेस नहीं, SVG, और मैं यहां पे इसको दे देता हूं डेमो सेव। यहां पे मैंने चूज किया हुआ है SVG प्रोफाइल टीनी 1.2, और उसके बाद टाइप कन्वर्ट आउटलाइन जरूर कर दीजिए, कन्वर्ट टू आउटलाइन, और उसके बाद ओके कर दीजिए, है ना। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, दूसरे फ्रेम में चलते हैं। ओके, यहाँ पे ऐड न्यू इमेज और इंपोर्ट, यहाँ पे हमारा ये तो PNG है, यहाँ पे हमारा ये SVG फाइल है ना, अगर इसको देखें तो SVG है, टाइप SVG फाइल। चलिए इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ये हमारा डायरेक्टली ऐड हो गया। जैसा कि हमने सलमान खान की फोटो अपलोड की थी तो वहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऑप्शंस नहीं आए। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसको अगर हम लोग प्ले करेंगे तो ये हमारा प्रॉपरली ड्रॉ होगा, जैसे हमारी दूसरी इमेजेस जो भी लाइब्रेरी से हमने यूज़ किया वैसे ही ये भी इमेज हमारी ड्रॉ हो गई, है ना। इसको हम लोग सेट कर देते हैं ऊपर सेंटर में, और कैमरा पोजीशन सेट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, वरना आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से ये ड्रॉ हो रहा है ना, इसकी टाइमिंग थोड़ा सा जो है बढ़ा देते हैं, ड्रॉ टाइम फॉर एग्जांपल 6 सेकंड, तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि जैसे जैसे ये हमारा जो है ना यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, ये इमेज जैसे हमने बनाया था यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइनिंग, तो वैसे ही ये हमारा ड्रॉ हो रहा है,
तो वैसे ही कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं उसे आप SVG में प्रोड्यूस करें और उसके बाद उसे यहाँ पे डालें तो आपकी इमेज जो है बिल्कुल उसी तरीके से ड्रॉ होगी। 4BI तो ये था सिंपल सा ऑप्शन अगर आप खुद की इमेज जो है वो ड्राइंग के साथ डालना चाहते हैं, वरना आप सलमान खान की तरह से डालना चाहते हैं तो किसी भी इमेज को आप डाल सकते हैं, है ना, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन स्पेशली अगर आप ड्राइंग चाहते हैं तो आपको जो है SVG में ही इमेज को डालनी पड़ेगी। आप SVG से रिलेटेड जो है काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो, काफ़ी सारे इमेजेस आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो खैर जब फाइनली आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाए, मैं इसको डाल देता हूँ स्टार्टिंग में, ओके, और इसको हम लोग प्ले करके देख लेते हैं। ओके, जब आपका फाइनली प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो जाता है तो आप यहाँ से शेयर में जा सकते हैं, और शेयर में जाने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यूट्यूब फेसबुक वगैरह पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड वीडियो क्वालिटी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, किस क्वालिटी में, 1080 फुल HD है, और फ्रेम रेट क्या है, जितना अच्छा आपका फ्रेम रेट होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोड्यूस होने में। और यहाँ से आप जो है टाइटल दे सकते हैं, तौसीफ कुछ भी मैंने ऐसे ही दे दिया। लोकेशन आप जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पिक्चर्स में डाल देता हूँ और यहाँ से प्रोड्यूस। अब ये आपका रेंडरिंग में टाइम लगेगा। ओके गाइज, तो फाइनली हमारी वीडियो जो है वो रेडी है। ओके गाइज, तो ये था वीडियो स्क्राइब कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके वीडियो स्क्राइब खरीदते हैं तो इनडायरेक्टली आप जो है हमारी थोड़ी सी मदद करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमारी लिंक को फॉलो करके ख़रीदें। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है हमारी कुछ और वीडियोस जिसे आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।